रसूल करीम बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अल्लाह ताला से उम्मीद है कि आप बाखैरियत से होंगे। नाइन्थ क्लास इस्लामियात का पीरियड है, सूरत अनफाल हम पढ़ रहे हैं। इससे पहले आयात बयिनात हम पढ़ चुके हैं, अब सूरत अनफाल की आयत नंबर 15, 16 और 17 हम पढ़ेंगे। इन आयात को समझने के लिए चंद बातों का समझना ज़रूरी है, और वो ये है कि अल्लाह ताला इन आयात में ये फरमा रहे हैं कि जब अहले ईमान का किसी काफर की जमात से मदो मुकाबला हो, तो इन आयात से जिहाद का पहला कानून अल्लाह ताला बयान कर रहे हैं कि कुफार की जमात से जब मुकाबला हो तो फिर तुम पीठ ना फेरना, और यानी जंग से फरार नहीं होना, भागना नहीं है, बल्कि इस्तिकामत इख्तियार करनी है। और दूसरी बात ये है कि जंग के मौका पर यानी वहाँ से पैंतरा बदलना, मतलब ये है कि एक तरफ से निकलकर, जबकि इसका मकसद भागना नहीं है, और दूसरी तरफ से आकर कुफार पर हमला कर देना, एक तो ये है, और दूसरा जो है अपनी फौज से जा मिलना, यानी कुफार से मुकाबले के वक़्त निकलकर अपनी फौज से जा मिलना। ये दो मौके जो हैं कुफार से जंग के वक़्त, इस ये मुस्तस्ना है। इसके अलावा पीठ फेरना और भागना, फरार होना, जो शख्स ऐसा करेगा और उसकी सज़ा अल्लाह ताला ने ये बयान की है इन आयात में कि वो अल्लाह के गज़ब में गिरफ्तार हो जाएगा और उसका ठिकाना दोज़ख है और वह बहुत बुरी जगह है। इसके बाद जो आयत है, इसमें अल्लाह ताला ने अपने महबूब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो मौजज़ा बयान किया है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ मुबारक से सादिर हुआ था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिट्टी की मुट्ठी भरकर वो कंकरियाँ कुफार की तरफ फेंकी, तो जब अल्लाह के महबूब ने वो मुजाहिदीन ने फेंकी तो वो रेत के ज़र्रे रेज़े उनकी आँखों में चले गए और वो अंधे हो गए, और इस तरह अल्लाह ताला ने मोमिनीन को फतह अता फरमाई। तो इस आयत में अल्लाह ताला ये फरमा रहे हैं कि उस वक़्त जो मुट्ठी भर कंकरियाँ आई या मिट्टी जो तुमने कुफार की तरफ फेंकी है, वो तुमने नहीं फेंकी बल्कि मैं अल्लाह ने फेंकी है, यानी हाथ तो तुम्हारे थे और फाइल मैं था, काम करने वाला मैं था। तो इसी को मौजज़ा कहते हैं, और मौजज़ा वही होता है कि हाथ नबी का होता है और फाइल काम करने वाला अल्लाह की ज़ात होती है। तो अल्लाह ने फरमाया कि वो तुमने उन कुफार को नहीं कत्ल किया, मैं अल्लाह ने कत्ल किया। अल्लाह ने 1000 फरिश्ते उतारे थे और उन फरिश्तों ने कुफार को कत्ल किया। तो अल्लाह के नबी के सहाबा जानिसार ये कहते हैं कि हमारी तलवार की ज़रब से वो जो काफिर मारे गए, और फरिश्तों की तलवार की ज़रब से जो काफिर मारे गए, बिल्कुल वाज़े था, हमें पता चलता था कि हमारी तलवार से मारा गया है काफिर या फरिश्तों की तलवार से मारा गया है काफिर। तो फरमाया कि आपने कत्ल नहीं किया बल्कि अल्लाह ने कत्ल किया, और वो मिट्टी आपने रेजा वो रेत के ज़र्रे उनकी कुफार की आंखों तक पहुंचाना, और वो कंकरियाँ आपने नहीं फेंकी बल्कि अल्लाह ने फेंकी है। अल्लाह ताला मोमिनीन को आजमा रहा था और वो बहुत बड़ी आजमाइश थी। तो इसका तर्जुमा करते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालों, इज़ा लकीतुमुल्लज़ीना, जब तुम्हारा मदे मुकाबल हो, जब तुम मदे मुकाबल हो, जब तुम्हारा मुकाबला हो, सामना हो, काफरु ज़ाफ़न, कुफार के लश्कर से, काफिर के लश्कर से, फला तुवल्लुहुल अदबार, बस तुम अपनी पीठ ना फेरना। और दूसरी आयत का तर्जुमा, वमय्यु वलीम, और जो फेरे और जो फेरे, यौमाइज़िन, उस दिन दोबरहू, अपनी पीठ, यानी उस दिन यानी जब कुफार से मुकाबला हो, जंग हो, जो शख्स अपनी पीठ को उस दिन फेरेगा यानी भागेगा, फरार होगा, तो उसकी सज़ा तो आगे बयान हुई है। लेकिन दो मौके, जंग के वक़्त कुफार से जंग के वक़्त
जो है इसकी इजाजत है वो क्या है, इल्ला मुतहर्रिफल किताल, या मगर जंगी चाल के तौर पर, यानी एक तरफ से निकलकर कुफार से दूसरी तरफ से हमला करना मकसद हो, भागना ना हो, मगर जंगी चाल के तौर पर, औ मुतहय्यिज़न इलाफियतिन, या अपनी फौज से जा मिलना, यानी कुफार ने जब मोमिनीन को ईमान वालों को पकड़ा हुआ हो, मोमिन को पकड़ा हुआ हो और वो उसे चलतर देकर और अपनी फौज से जा मिलने, तो ये दो मौके जायज़ हैं, ये जंगी हिकमत और मसलहत के तौर पे। इसके अलावा जो शख्स अपनी पीठ फेरेगा उस दिन जंग के दिन, फ़कत बा बिग़ज़ब मिन अल्लाह, बस पक्की बात है वो अल्लाह की गज़ब की तरफ लौटा, वो अल्लाह के गज़ब में गिरफ्तार हुआ, वह मवाओ जहन्नम, और उसका ठिकाना जहन्नम है, वह भी सल मसीर, और वह बहुत बुरी जगह है। आयत नंबर 17 जो है इसका तर्जुमा करते हैं, फलम तक्तुलूहुम, पास तुमने उनको कत्ल नहीं किया, वलाकिन अल्लाह कातलहुम, लेकिन अल्लाह ने उनको कत्ल किया है, वमा रमैता, मेरे महबूब आपने नहीं फेंका, इध रमैता जब आपने फेंकी, वलाकिन अल्लाह रमा, और लेकिन अल्लाह ताला ने वो फेंकी है, यानी मट्टी मुट्ठी भर लेकर, यार जो है वो रेत अपनी जो है मुट्ठी में लेकर, या वो कंकरियाँ अपनी मुट्ठी में लेकर जो कुफार की तरफ फेंकी, तो अल्लाह फरमाते हैं वो आपने नहीं फेंकी, हाथ तो आपका था, लेकिन वो मट्टी के ज़र्रों को, रेत के ज़र्रों को, कंकरी को ज़र्रों को उन कुफार की आंखों में पहुँचाना मैं अल्लाह का काम था, वलाकिन अल्लाह रमा, लेकिन वो अल्लाह ताला ने फेंकी, वलियुबली अल मोमिनीना, और ताकि अल्लाह आजमाए ईमान वालों को अपनी तरफ से, बलान आजमाइश, हसनन अच्छी, इन अल्लाह समीउन अलीम, बेशक अल्लाह सुनने और जानने वाला है। ये तो आयत नंबर 15, 16 और 17 की तफसीर थी और इसका तर्जुमा था जो कि मैंने आपको समझाई, उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। इसके जो सवालात है वो आगे हम करेंगे। वाखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह।